कोई जो मेरे साथ ही है। अंकल वो वाली वो घटना बताओ ना, आप जो हापुड़ दिल्ली से रवाना हुए थे, फिर हापुड़ में आपने कुछ खाया तो बाबा ने आपको क्या बोला? क्या है कि रशियन डेलीगेशन आया होता है ओबरा शर्टन में, दिल्ली में। ओबरे शेरेटन। हाँ दिल्ली में। तो मैं, सिस्टर, मेरे जीजाजी वगैरह ड्राइवर साथ आए थे दिल्ली सैंपल लेंगे। वो काम खो गया, तो मेरा खाना खाया। खाना खा के हम चले, वो एम्बेसडर गाड़ी थी हमारे पास, और मस्ती से 160 किलोमीटर तो ही है दिल्ली मुरादाबाद। जैसे ही आया गजरौला, गजरौला में पेड़े मशहूर है मावे के। अच्छा, सबको हमको खाने का शौक, खाना खा के निकले थे और गजरौला पे खा लिया हमने पेड़े खाए। और पेड़े कौन से स्टेशन, बस स्टैंड पे थे और ठेले बढ़िया वाले, उनसे खाए, बहुत टेस्टी। खा के निकले आगे हापुड़ में, एक रतन ढाबे वाला था उस जमाने में, बहुत बढ़िया कॉटेज बने हुए झोंपड़ी वाले, उसके यहाँ बढ़िया खीर मिलती थी। खीर उसमें ये चिरौंजी और बादाम डाले हुए, केसर वगैरह, वहाँ खीर भी हमने खाई। खा के पहुंच गए मुरादाबाद। कुछ टाइम बाद हम बाबा से मुलाकात हुई, नीमकोली बाबा से। बाबा ने डांटा नहीं हमको, बातों यूं कहा, उस दिन अपन ब्राह्मण है, उस दिन घर से खाना खा के निकले थे, गजरौला में आई पेड़ा खा लिया, हापुड़ में आई खीर खा ली, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अरे मेरे बाबा, अब ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो। उन्होंने कहा हर पल मैं, तुम क्या कर रहे हो मैं देखा, हर तुम्हारे साथ हूँ मैं, जिम्मे समझो, उन्होंने इंडिकेशन दिया तुम्हारे साथ रहता हूँ, बस ये मकसद ये था, बस मैं हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम क्या करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या ध्यान रखो। वैसे ही डैडी को उन्होंने बोला था कि तुम हर पल क्या करते हो, उनको एक एपिसोड हुआ था ना, तुम्हारा उस दिन तुमने उसको ऐसा बोल दिया तो उसको बुरा लग गया, तो ये मत सोचो कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। ये अभी साथ है वो, क्या मेरे पर छोड़ दो, मुझको छोड़ दो या मेरे को छोड़ दो, सही है, विश्वास तो रखना पड़ेगा। जब मतलब हुआ बाबा बाबा कर लिया, जब मतलब निकल गया कह रहे सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं। लोग होते स्वार्थी,